महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। दिहाड़ीदार तबका बुरा हाल है, जिसके लिए दो वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन होता जा रहा है। वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। सुबह सवेरे अपने रिस्क की तलाश में निकलने वाले मजदूरों और कारीगरों की अक्सरियत के अक्सर दिन गाहक की तलाश में गुजर जाते हैं। कभी कोई गाहक आ भी जाए तो दिहाड़ी पर इतना भावताव करता है कि मजबूरन आधी दिहाड़ी पर भी काम करना पड़ता है। कोई आता नहीं, इतनी बेरोजगारी है, गरीब लोग कहाँ जाए। हफ्ते में एक दिन दो दिन काम मिलता है, बड़ी महंगाई है। कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो इस बेरोजगारों का कोई बंदोबस्त करे, इनको कोई रोजगार दे, इनकी कोई दिहाड़ी बढ़ाए। अक्सर खाली हाथ घर लौटने वाले मजदूर शाम ढले तक भी अपनी रोजी के मुंतजिर रहते हैं। सुबह से आते हैं, सारे दिन यहाँ बैठे रहते हैं। जब काम नहीं लगता, मजबूर होके हम घर जाते हैं तो हमारे दिल खून के आंसू होता है। आटा देखो 160 रुपये मिल रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा, सारे मजदूर खड़े हैं हमारे। नहीं नहीं, 15 दिन नहीं लगती दिहाड़ी। बढ़ती हुई महंगाई और इस पर बेरोजगारी के अजाब से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज्यादा परेशान है और किसी ऐसे मौजज़े का मुंतजिर है जिससे महंगाई का जिन हुक्मरानों के काबू में आ जाएगा। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद।